हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें अभी तक के टीसीएस एनक्यूटी का रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके चांसेस कितने हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, आपकी सभी जो क्वेरीज है टीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेरीज आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। जैसे कि आप सभी को बताए टीसीएस ने रिजल्ट अनाउंस कर चुका है एंड ऑलरेडी टीसीएस जो है इंटरव्यू मेल सेंड करना स्टार्ट कर चुकी है। ओके, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें एग्जाम के बाद कोई भी मेल रिसीव नहीं हो रहा है एंड अगर वो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाकर देखते हैं तो उन्हें बैच स्टेटस शो हो रहा है एंड किसी का एंड मेल रिसीव नहीं हुआ है। एंड कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें बैच स्टेटस भी शो नहीं हो रहा है एंड मेल भी रिसीव नहीं हुआ है। सो आपको रिजल्ट किस तरह से चेक करना होगा, ओके, क्या टीसीएस रिजल्ट सेंड करना स्टॉप कर चुकी है, क्या आपको अभी होप छोड़ देनी चाहिए, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। उससे पहले गाइज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो टीसीएस रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली देखने मिल जाती है एंड आगे भी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आपसे रेगुलरली शेयर करते रहूंगा, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, टीसीएस का रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसके बाद 15th ऑफ सितंबर से टीसीएस के इंटरव्यू राउंड स्टार्ट हो चुके हैं एंड आज 16th ऑफ सितंबर है। 16th ऑफ सितंबर को कैंडिडेट्स को एचआर इंटरव्यू राउंड का भी मेल आ चुका है, मतलब टेक्निकल राउंड जिन्होंने क्लियर कर दिया है उन्हें एचआर राउंड इंटरव्यू राउंड का मेल आ चुका है। तो गाइस सबसे पहली चीज की बैच स्टेटस मतलब होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर बैच स्टेटस शो हो रहा है इसका मतलब आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो इंटरव्यू के लिए, चाहे वो निंजा राउंड हो डिजिटल राउंड हो, आप जो है शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। भले ही आपको सिलेक्शन मेल ना आया हो एग्जाम के बाद, लेकिन अगर आपका टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर बैच स्टेटस शो रहा है इसका मतलब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो एंड बहुत ही जल्दी आपको इंटरव्यू का मेल टीसीएस की तरफ से देखने मिल जाएगा। सेकंड चीज आता है बैच बट नॉट रिसीव्ड मेल। बहुत सारे कैंडिडेट्स जाएंगे बैच स्टेटस देखेंगे, उन्हें नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर बैच स्टेटस शो हो रहा है लेकिन मेल रिसीव नहीं हो रहा है। सो उसके लिए भी बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बैच स्टेटस शो हो रहा है तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू का मेल भी टीसीएस की तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है। बहुत ही जल्दी आपको सिलेक्शन मेल मिल जाएगा। अगर सिलेक्शन मेल नहीं भी आता है तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू मेल भी आ सकता है टीसीएस की तरफ से। ओके, बैच स्टेटस मतलब 100% आपको इंटरव्यू का मेल आने ही वाला है। So, उसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, साथ ही साथ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू की बात कर ली जाए गाइस, तो जैसे कि आप चैनल पे देख सकते हो कल मैंने वीडियो बनाया हाउ टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस निंजा इंटरव्यू एंड डिजिटल इंटरव्यू, तो ये वीडियो अगर आप देख सकते हो ये वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट पिन भी कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो जो बेसिक चीजें मैंने बताई है उतना प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत ही इजीली जो है आप अपना टीसीएस का इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर लोगे, तो वो वीडियो बिल्कुल भी आप मिस आउट मत करना। साथ साथ मैं बता दूं इस बार जो निंजा का इंटरव्यू लेवल डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा लो है क्योंकि आपको निंजा के एग्जाम में कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एंड काफी ज्यादा मास हायरिंग करने वाली है टीसीएस इस बार, तो सिलेक्शन चांसेस का सिलेक्शन काफी ज्यादा हाई है आप सभी के लिए। ओके, एंड अगर आपको डिजिटल रोल का मेल आया है, अगर आप डिजिटल रोल का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हो तो नो नीड टू वरी, आपको निंजा रोल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, एंड मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने प्रीवियस प्रिपरेशन वीडियो में बता चुका हूं, तो वो वीडियो डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद आपको कोई भी मेल अभी तक के रिसीव नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। स्लॉट वाइज इंटरव्यू मेल जो है वो सेंड किए जाते हैं, रीजन वाइज भी सेंड किए जाते हैं, डिपेंड ऑन टीम, टीसीएस टीम पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। ओके, फॉर एग्जांपल किसी रीजन में किसी को भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड को आया है आपको नहीं आया है, तो अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, बहुत सारे चांसेस है कि आपको अभी भी सिलेक्शन मेल एंड इंटरव्यू मेल आ सकता है। बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत बार ऐसा हुआ था कि 10-15 डेज बाद भी टीसीएस ने कैंडिडेट्स को मेल भेजे थे। ओके, तो अभी भी आप पेशेंस रखिए, जो भी अपडेट आते हैं मैं चैनल पर रेगुलरली शेयर करता रहूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अब आप बात कर ले कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके आपको लॉग इन कर लेना है एंड वहां पे आपको ट्रैक माई एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने मिल जाता है, जहां पे अगर आपका बैच स्टेटस शो हो रहा है इसका मतलब आपका इंटरव्यू जो है इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो। अगर वहां पे बैच शो नहीं भी होगा तो भी टेंशन मत लीजिए, अभी भी आपके पास चांसेस है, वहां पर बैच स्टेटस थोड़े टाइम में शो हो सकता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। ओके, अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपको जो है सिलेक्शन मेल आने ही वाला है। ओके, एंड इस बार का जो निंजा था उसमें कोडिंग भी नहीं थी तो काफी ज्यादा इजी कर दिया गया था आप सभी के लिए एंड डिजिटल भी उतना ज्यादा टफ नहीं था। अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व किया हो
टेस्ट केसेस पास हो गए आपके, तो चांसेस है कि आपको डिजिटल रोल का सिलेक्शन मेल आ जाए। ओके, एंड टीसीएस इस बार बहुत ज्यादा मास हायरिंग करने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी ज्यादा इजी है आप सभी के लिए। ओके, 50,000 प्लस से ज्यादा आपको यहाँ पे देखने हायरिंग देखने मिल जाती है। ओके, सो गाइस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, बिल्कुल भी आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। एंड टीसीएस ने अभी भी रिजल्ट सेंड करना स्टॉप नहीं किया है, अभी भी आपके पास चांसेस है, अभी भी आपको सिलेक्शन मेल आ सकता है, इंटरव्यू मेल आ सकता है। सो आपको बिल्कुल भी होप लूज नहीं करनी है, आपको अपडेटेड रहना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है अब मैं आपको शेयर करता रहूंगा। एंड टीसीएस ने भी ऑफिशियली कोई भी मैसेज नहीं दिया है जहां पे उन्होंने बताया है कि सिलेक्शन उन्होंने स्टॉप कर दिया है। ओके, सो आप पेशेंस रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा मास हायरिंग होने वाली है इस बार, तो आपको भी चांसेस है कि आपको टीसीएस बहुत जल्दी जो है इंटरव्यू मेल सेंड कर दे। ओके, सो आई होप आपको सभी चीज समझ में आ गई हो। एंड आपको टीसीएस के यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाते हैं हमारे चैनल पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरव्यू डेट आउट हो गई थी तो इसके बारे में वीडियो बनाया मैंने, इंटरव्यू प्रिपरेशन का वीडियो बना चुके हैं हम, बैच स्टेटस के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ उसके बारे में बता चुका हूँ, साथ ही साथ रिजल्ट आउट हुआ था उसका भी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे वीडियोस है चैनल पे आपको रेगुलरली आपको देखने मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप चैनल पे अपडेटेड रहिए, मिस बिल्कुल ही मत कीजिए। एंड साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी आपको बहुत सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एचआर इंटरव्यू, टीसीएस एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, स्ट्रेंथ वीकनेस इंट्रोडक्शन, सभी रिलेटेड मैंने आप सभी के लिए अपडेट बनाए रखे हैं। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी हमारे चैनल के थ्रू सिलेक्ट हो चुके हैं, सो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, आपको पेशेंस रखना है एंड जो जो चीज मैं आपको बताता हूँ आपको फॉलोअप करना है, उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, उस टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो वीडियो मैंने बनाया है टीसीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, जहां पे आप देख सकते हो इजीली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली आप क्लियर कर सकते हो, किस तरह से क्लियर करना है यहाँ पे आप देख लोगे। बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन पे, रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पे एंड प्रोजेक्ट्स पे काफी ज्यादा वेटेज होने वाला है, तो जो 90% क्वेश्चन है वो आपको रिज्यूमे पे आते हैं, तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है वो सभी चीजें आपको आनी ही चाहिए। एंड जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में भी आपको पूछा जाता है कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में आपको क्या क्या पता है। ओके, उसके बारे में बेसिक कोडिंग नॉलेज पूछा जा सकता है एंड आपके कोर ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो ये डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना वीडियो, यहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि टेक्निकल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रिपेयर कैसे करना है, मैनेजेरियल राउंड में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एचआर राउंड में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सभी चीज आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, डेफिनेटली आप सभी की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, आप सभी की हेल्प होंगी। एंड अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप सभी के लिए और ज्यादा अच्छे से रिसर्च करके आप सभी के लिए कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।